देश की राजधानी दिल्ली में बच्चा चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए आज केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आज फिर एक बार ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने मौके से अब तक कुल 7 से 8 नवजात बच्चे मिले हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। यही नहीं, मौके से टीम ने कुछ आरोपियों को भी पकड़ा है। सीबीआई दिल्ली में बच्चे चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने के लिए बीते शुक्रवार से ही सक्रिय है। जांच एजेंसी को यह भी पता चला कि गैंग अस्पताल से ही नवजात बच्चों को चुरा कर फरार हो जाता था। आपको बता दें, छापेमारी की शुरुआत शुक्रवार शाम करीब 6 बजे से केशवपुर इलाके में की गई, जो शनिवार को भी जारी रही। इस बीच सूत्रों का कहना है कि 7 से 8 बच्चों को बरामद किया गया। इनमें 2-3 बच्चे कुछ ही दिन पहले जन्मे हैं। इस मामले में सीबीआई ने 10 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया है। इनमें महिलाएं भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में सीबीआई को पुख्ता इनपुट मिला था, जिसके आधार पर सीबीआई ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुर थाना इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यहां एक घर में सीबीआई को 2 नवजात शिशु मिले। इस घर के अलावा भी अन्य जगहों से बच्चे बरामद किए गए। बच्चों की खरीद फरोख्त और तस्करी का यह मामला केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर और इसके बाहर भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मामले में सूत्रों का कहना है कि छापेमारी पूरी होने के बाद यह साफ हो सकेगा कि आखिर बच्चों की तस्करी में यह तार केवल भारत में ही है या फिर विदेशों में भी जुड़ा हुआ है। यह भी है कि तस्करी के इस मामले को बकायदा कोई रैकेट चला रहा था, जिसमें कुछ हॉस्पिटल और उनके कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जहां पैदा हुए बच्चों को अदला बदली की जाती है। मामले में अभी सीबीआई द्वारा पकड़े गए संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।